दोस्तों इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर की है। बेसिकली अश्विनी जी के द्वारा ट्विटर पे पोस्ट करके ये बताया गया कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बनाया जाने वाला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जिसकी टोटल लंबाई हमें 508 किलोमीटर देखने को मिलती है। अश्विनी जी ने बताया कि टोटल 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में से फाइनली 100 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर वाइडक्ट बनकर कम्प्लीट हो चुका है। इसके अलावा 250 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का पियर वर्क भी अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन NHSRCL के द्वारा 100 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर वाइडक्ट के काम को कंप्लीट कर एक काफी बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाइडक्ट बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप वाइडक्ट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली वाइडक्ट एक ब्रिज की जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये एक प्रकार का पुल होता है और इस वाइडक्ट को पिलर्स के ऊपर बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि पिलर्स के ऊपर वाइडक्ट को बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर मेट्रो को चलाया जाता है, तो यानी कि ज्यादातर मेट्रोस को भी वाइडक्ट पर ही चलाया जाता है। और इसी प्रकार के वाइडक्ट का इस्तेमाल मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भी किया जाएगा। और दोस्तों 100 किलोमीटर लंबी दूरी पर वाइडक्ट को बनाकर कंप्लीट कर पाना अपने आप में ही एक काफी बड़ा माइलस्टोन है। और 100 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर वाइडक्ट को कंप्लीट करने के बाद अब इस वाइडक्ट पर नॉइस बैरियर्स को भी इंस्टॉल करना शुरू कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इन वाइडक्ट के ऊपर अब ट्रैक्स यानी कि बुलेट ट्रेन पटरियों को बिछाया जाने वाला है। और आपको ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि सूरत के अंदर ऑलरेडी वाइडक्ट पर RC ट्रैक बेड को भी बिछाना शुरू कर दिया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये इंडिया का पहला जे स्लैब बैलेस्टलेस ट्रैक सिस्टम है, जिसको बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है सूरत में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इन ट्रैक्स को पूरे 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर बिछाया जाएगा, लेकिन दोस्तों इस वाइडक्ट को बनाने में जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम था वो था इस वाइडक्ट को रिवर यानी कि नदी के ऊपर से बनाना। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुजरात के वलसाद डिस्ट्रिक्ट में एक 350 मीटर लंबी माउंटेन टनल को भी बना दिया गया है। बेसिकली ये एक प्रकार से अंडरग्राउंड टनल है, जिसको बनाने के लिए पहाड़ों के बीच में से सुरंग को बनाया जा रहा है। और इसी के साथ गुजरात में एक 70 मीटर लंबे स्टील के ब्रिज को भी बनाकर तैयार कर दिया गया है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।